पकौड़ा तैयार है। और इसमें अब लास्ट चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और इसे चटनी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। घर में बनाएं और हेल्दी खाएं, अभी बाहर जाना अवॉइड करें। जैसा कि सिचुएशन है, अभी ख़राब सिचुएशन है, सिचुएशन में बाहर ना जाएं और अपने अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखें। घर में खाना बनाएं, अच्छा अच्छा खाएं और अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज रमज़ान का 12वां रोज़ा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का भी रोज़ा अच्छे से गुजर रहा होगा। आज मैं दिल्ली की फेमस राम लड्डू बनाने जा रही हूँ इफ्तार में। इसके लिए मैंने रात ही में चना दाल भिगो दिया था, उसमें हरा मूंग दाल के भिगो दिया था। चना दाल के अंदर डालने के लिए धनिया पत्ता, कच्चा मिर्चा, प्याज और ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट चना दाल में डालने के लिए, और ये राम लड्डू के साथ खाने के लिए चटनी बना लेंगे। धनिया पत्ता, नींबू, ये डेसिकेटेड कोकोनट है और ये नारियल, कच्चा नारियल है और ये काजू कुछ पीस है और ज़ीरा, पीनट्स भुना हुआ, गार्लिक और दो मिर्च, और इसमें नमक भी डाल लेंगे अपने जायके के अनुसार। अब इसे हम महीन पेस्ट बना लेंगे। ये सब चटनी में जाएंगे, थोड़ा चटनी से थिक होगा इसलिए। देखिए ये फिटने के बाद इस तरह से हल्का हो जाएगा। अब इसमें ये सारा कच्चा प्याज, हरी मिर्च, इसको मिलाकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। हल्का महीन पेस्ट बनाकर इसमें लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाकर खूब अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। खूब अच्छी तरह से एकदम हल्का हो जाए, एक ही डायरेक्शन में इसलिए फेंटते हैं ताकि फुला फुला हो। चटनी बनकर तैयार हुई, देखिए कितनी थिक बनी है ना। इस तरह से बनाए चटनी बहुत ही मज़ेदार लगेगी, खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, सरसों तेल में ही फ्राई करेंगे। सरसों तेल में एक अलग ही टेस्ट आता है, इसलिए सरसों तेल में ही तलें। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया, इसमें छोटा छोटा गोल करके और इसके हाथों से डालेंगे और ध्यान रहे कि छीटा ना पड़े, काफ़ी तेल गर्म हो गया और एक साथ ज़्यादा नहीं डालें, चिकन बनाएंगे वापस में चिकन जाएंगे। इसको ब्राउन होने तक गोल्डन फ्राई कर लेंगे और इसी तरह से सभी को फ्राई कर लेंगे। पकौड़ा तैयार है और इसमें अब लास्ट चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और इसे चटनी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। घर में बनाएं और हेल्दी खाएं, अभी बाहर जाना अवॉइड करें। जैसा कि सिचुएशन है, अभी ख़राब सिचुएशन है, सिचुएशन में बाहर ना जाएं और अपने अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखें। घर में खाना बनाएं, अच्छा अच्छा खाएं और अल्लाह हाफिज़।